जैसा कि छात्रों, हमने पिछली कक्षा में वर्धमान फलन एवं ह्रासमान फलन से संबंधित प्रश्नों के हल देखे थे। जैसा कि वर्धमान फलन में हम देखते थे कि कौन सा फलन वर्धमान है उसके लिए क्या शर्तें हैं और कौन सा फलन ह्रासमान है उसके लिए क्या शर्तें हैं, इसके बारे में संबंधित जानकारियाँ हम लिए थे। अब हम आज का हमारा चैप्टर है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, अर्थात हम फलनों के उच्चिष्ट मान एवं निम्निष्ट मान को किस तरह से समझ सकते हैं उसके बारे में आज आपको समझाएंगे, ठीक है। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। तो उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट का मतलब होता है कि वे मान कि कौन सा फलन में कौन सा मान उच्चिष्ट और कौन सा निम्निष्ट है, इसको ज्ञात करने के लिए क्या होते हैं, हमारे पास शर्तें होते हैं। तो इसमें ज्ञात करने के लिए हमारे पास शर्तें हैं, तो उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए शर्तें हैं। तो शर्तें में आएगा पहला, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम फलन एफ एक्स का y इज इक्वल टू, सर्वप्रथम फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स का हम क्या करते हैं, अवकलन करके f डैश x प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स का अवकलन करके हम f डैश x प्राप्त करते हैं। ये हमारा कौन सा कंडीशन हुआ, पहला कंडीशन। दूसरा क्या करते हैं, जस्ट इसके बाद, तुरंत इसके बाद क्या करते हैं, हम जो फलन है हमारा y इक्वल टू एफ एक्स उसका अवकलन कर दिए, जिससे हमको क्या प्राप्त हुआ, f डैश x प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं दूसरे में, f डैश x इज इक्वल टू जीरो रखकर f डैश x इज इक्वल टू जो हमारे पास f डैश x का मान मिला उसको हम क्या करते हैं, जीरो रखकर समीकरण में x के मान को a1 a2 a3 an आदि के रूप में रखते हैं, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, f डैश x का मान ज्ञात करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, फलन को जीरो रखकर समीकरण में मान को a1 a2 a3 an आदि के रूप में रखते हैं और x का मान क्या करते हैं, हम ज्ञात करते हैं। उसके पश्चात तीसरा कंडीशन है हमारे पास f डैश x का, ठीक है। उसके बाद f डैश x जो हमको मिला है उसको जीरो रखे थे, इसका f डैश x का पुनः अवकलन करके f डैश x का क्या करते हैं, पुनः अवकलन करके हम इसका मान, देखो पुनः अवकलन करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि मान लो हमारे पास था फंक्शन क्या था, f x था, एक बार अवकलन किए तो ये क्या हुआ, f डैश x हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर इसका एक बार अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f डबल डैश x। जितना बार अवकलन करतेंगे उतने बार उसमें क्या लगते जाएगा, डैश लगते जाएगा। और अवकलन किससे करते हैं, x है तो x के सापेक्ष करेंगे, मतलब x के सापेक्ष क्या हुआ, d अपॉन dx, ये होगा उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। अब देखो, करके f डैश x का पुनः अवकलन करके हम इसका मान f डबल डैश x क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते थे कि फलन जो था हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स उसका अवकलन करके f डैश x प्राप्त करते हैं, उसके बाद f डैश x को क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं एफ एक्स का एफ डैश एक्स का पुनः अवकलन करके हम क्या निकाल लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स प्राप्त करते हैं। अब यदि, ठीक है, मतलब पुनः उसको क्या करते हैं, अवकलन जितना बार करेंगे उतने बार एफ डबल डैश एक्स का मान हमको प्राप्त होगा। अब चौथा कंडीशन है, एफ डबल डैश एक्स में एक्स के स्थान पर,
ठीक है, x के स्थान पर a1, a2, a3, डैश 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 मान रखकर क्या करेंगे, इसके बाद a1 a2 का मान रखकर हम x बराबर a1 रखकर, मतलब ये मान रखेंगे, उसके बाद x बराबर a1 रखकर हम केवल किसको, केवल चिन्हों को, केवल चिन्हों को ध्यान देते हैं। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, जब f डबल डैश x हो गया, ठीक है, मतलब f f का दो बार अवकलन हुआ है, ठीक है, पहले बार अवकलन हुआ तो क्या हुआ f डैश x, उसके बाद पुनः अवकलन किए फिर क्या हो गया ये f डबल डैश x में x के स्थान पर a1 a2 a3 ये मान रखना है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लो चलो x की जगह में a1 रखते हैं, a1 रखकर हम केवल चिन्हों पर ध्यान देते हैं। यदि f a1 का मान, ठीक है, a1 का मान क्या आता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है, यदि f a1 का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, देखो इसमें दो कंडीशन प्राप्त होंगे, एक हमको ऋणात्मक प्राप्त होगा और एक मान हमको क्या होगा धनात्मक प्राप्त होगा, और प्राप्त होता है तो x बराबर a1, x बराबर क्या होगा a1 पर y इज इक्वल टू एफ एक्स का मान कैसा होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स का मान देखो ऋणात्मक होगा तब इसका मान कैसा होगा उच्चिष्ट हो जाता है, क्या होता है ऋणात्मक होगा तो इसका मान उच्चिष्ट, तो यहाँ देखो क्या दिया है, यदि एफ ए वन का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है तो x बराबर a1 लिए थे, मतलब ए वन की जगह हम क्या आएगा x है, तो x बराबर a1 पर y इज इक्वल टू एफ एक्स का मान ऋणात्मक, इसमें क्या है ऋणात्मक दिया हुआ है, ऋणात्मक होने के कारण इसका मान कैसा प्राप्त होगा हमको उच्चिष्ट प्राप्त होता है, उच्चिष्ट प्राप्त होता है। ठीक है, ये हुआ इसका कंडीशन, यदि एफ ए वन का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है तो x इज इक्वल टू ए वन पर y इज इक्वल टू एफ एक्स का मान उच्चिष्ट प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए ये इसकी शर्तें हैं कि उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट फलन को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसके लिए कंडीशन है कि किस प्रकार से हमारा प्रोसेस आगे की ओर बढ़ेगा। अब देखो उसके पश्चात क्या होगा, यदि ऋणात्मक प्राप्त होता है तो अब आएगा, यदि एफ ए वन का मान पहले क्या प्राप्त हो रहा था ऋणात्मक, अब यदि एफ ए वन का मान धनात्मक प्राप्त होता है, धनात्मक प्राप्त होता है, ए वन का मान कैसा प्राप्त होगा धनात्मक प्राप्त होता है, तो x इज इक्वल टू ए वन पर, x इज इक्वल टू किस पर ए वन पर y इज इक्वल टू एफ एक्स का मान, y इज इक्वल टू एफ एक्स का मान, y इज इक्वल टू एफ एक्स का मान, अब देखो वहाँ ऋणात्मक था तो मान कैसा प्राप्त हुआ हमको उच्चिष्ट प्राप्त हुआ, ऋणात्मक था तो मान क्या हुआ हमको उच्चिष्ट प्राप्त हुआ, और अब यदि हमारे पास क्या हो गया धनात्मक है तो ये मान कैसा हो जाएगा निम्निष्ट, तो एफ एक्स का मान क्या होगा निम्निष्ट निम्निष्ट प्राप्त होता है, ये था चौथा कंडीशन। अब आते हैं हम इसके पश्चात, देखो ऋणात्मक हो गया तो मान कैसा होगा उच्चिष्ट होगा, ठीक है, ऋणात्मक हुआ तो मान कैसा होगा उच्चिष्ट, और धनात्मक हुआ तो मान क्या हो जाता है निम्निष्ट होता है, ये इससे फलन पता चल जाएगा कि अगर ऋणात्मक है तो उच्चिष्ट हुआ और धनात्मक है तो क्या हो जाएगा ये निम्निष्ट हो जाता है। ठीक है, अब पांचवा कंडीशन, अब यदि f, अब यदि x इज इक्वल टू ए वन पर, ठीक है, ये पांचवा कंडीशन क्या होगा, अब यदि x इज इक्वल टू ए वन पर
एफ डबल डेज एक्स, एफ डबल डेज एक्स का मान शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है, क्योंकि हम मान को क्या किए थे, एफ डबल डेज एक्स था, तो एफ वन को मान को किस में रखते थे, एफ डबल डेज एक्स में मान रखते थे, ठीक है। तो जब हम मान को देखो किस में रख रहे हैं, एफ डबल डेज एक्स है, तो ये एफ ए वन है, ये डबल डेज ए वन भी होगा, एफ डबल डेज ए वन में रखना पड़ेगा मान को, ठीक है। इसको ध्यान से लिख लेना, ये एफ डबल डेज ए वन होगा तभी इसका मान क्या होगा, चेंज होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एफ डबल डेज ए वन, क्योंकि हम एफ डबल डेज एक्स लिए है ना, और एक्स की जगह हम ए वन लिए हैं, तो ये एफ डबल डेज ए वन होगा, ये भी एफ डबल डेज ए वन होगा। अब यदि एक्स बराबर ए वन पर एफ डबल डेज एक्स का मान है, तो एफ डबल डेज एक्स का मान शून्य प्राप्त होता है, ठीक है, का मान क्या होता है, शून्य प्राप्त होता है, तब हम एफ डबल डेज एक्स का पुनः अवकलन करके, एफ डबल डेज एक्स का क्या करते हैं, पुनः अवकलन, एफ डबल डेज एक्स का पुनः अवकलन करके इसका मान, अब देखो इसका एक बार और अवकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ट्रिपल डेज एक्स, ठीक है, ट्रिपल डेज एक्स प्राप्त होता है। मतलब ये कंडीशन क्या कह रहा है, अब यदि एक्स बराबर वन पर एफ डबल डेज एक्स का मान क्या होगा, शून्य है, शून्य प्राप्त होता है, ठीक है, शून्य प्राप्त होता है, तो हम क्या करते हैं, इसका एफ डबल डेज एक्स का पुनः अवकलन कर देते हैं, पुनः अवकलन कर देते हैं, उससे क्या मिल जाता है, इसका मान एफ ट्रिपल डेज एक्स का मान, ठीक है, ये प्राप्त हो जाता है, ये ज्ञात कर लेते हैं। अब यदि एफ डबल डेज एक्स प्राप्त हुआ ना, ठीक है, अब यदि ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ये प्राप्त हुआ। अब यदि, अब यदि x बराबर a1 रखने पर f ट्रिपल डेज x का मान, f ट्रिपल डेज x का मान शून्य नहीं है, तो शून्य क्या है, नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम यदि x बराबर a1 पर f डबल डेज x का क्या करें, मान शून्य प्राप्त होता है, मान शून्य प्राप्त हो गया, तब हम क्या कर दिए, उसका आगे अवकलन कर दिए, ठीक है, पुनः अवकलन कर दिए, जिससे हमको क्या मिला, एफ ट्रिपल डेज एक्स प्राप्त हो गया, ठीक है, एफ ट्रिपल डेज एक्स प्राप्त हो गया। अब यदि एक्स इज इक्वल टू ए वन रखने पर एफ ट्रिपल डेज एक्स का मान शून्य नहीं है, तो यह एफ ट्रिपल डेज ए वन का फलन, ठीक है, क्योंकि x की जगह में a1 रखेंगे, तो a1 का फलन ना तो उच्चिष्ट होगा और ना तो निम्निष्ठ प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ तक क्या हो गया, यदि x बराबर ए वन रखने पर, क्या रखने पर, ए वन रखने पर f ट्रिपल डेज x का मान शून्य नहीं है, ठीक है, f ट्रिपल डेज x का मान शून्य नहीं है, तो यह f ट्रिपल डेज x ए वन का फलन ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ठ होगा। अगर जीरो नहीं है तो वो क्या होगा, ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही इसका मान हमको क्या होगा, निम्निष्ठ प्राप्त होगा। अब यदि, अब आएगा इसके बाद पांचवा कंडीशन था, उसके बाद आता है छठवां कंडीशन, यदि
x इज इक्वल टू ए वन रखकर क्या करते हैं, x के जगह में पुनः हम क्या करते हैं ए वन रखते हैं, ए वन रखकर इसका मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, ए वन रखकर हम क्या करते हैं इसका मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तब हम क्या होगा ए वन प्राप्त रखते हैं तथा एफ ट्रिपल डेज एक्स इज इक्वल टू जीरो प्राप्त हो जाता है, जीरो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एफ ट्रिपल डेज एक्स इसका मान क्या हो गया हमको अब जीरो प्राप्त हो गया। पहले नहीं हो रहा था, तब ये क्या था ना तो उच्चिष्ठ था और ना ही निम्निष्ठ था। अब यदि इसमें ट्रिपल डेज एक्स बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाता है जीरो प्राप्त हो जाता है, तब हम इसका अवकलन करके क्या करते हैं पुनः इसका हम क्या कर देंगे एक बार फिर से अवकलन कर देंगे। ठीक है, देखो क्या दिया है, यदि x बराबर ए वन रखकर इसका मान प्राप्त करते हैं तथा f ट्रिपल डेज x इज इक्वल टू जीरो प्राप्त हो गया, हमको क्या हुआ f ट्रिपल डेज जीरो प्राप्त हो गया, तब हम f ट्रिपल डेज x का पुनः अवकलन फिर से कर देंगे। अब फिर अवकलन करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा f डैश 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 तीन डैश था ये चौथा डैश x प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये तीन डैश था, तीन डैश का अवकलन कर दिए तब हमको क्या हो गया चार डैश वाला प्राप्त हो गया। अब इसका मान ठीक है, अतः x इज इक्वल टू ए वन रखने पर x इज इक्वल टू क्या रख दिए हम ए वन रखने पर f ट्रिपल ट्रिपल नहीं अब चार डेज हो गया फोर डेज x। ठीक है, पहले तीन था अब क्या हो गया फोर डेज x का मान क्या है शून्य नहीं है। क्या है फोर डेज एक्स का मान कैसा है शून्य नहीं है। ठीक है, और यदि f वन टू थ्री फोर डेज ए वन का मान फोर मतलब f डेज 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 के पहले तीन डेज था अब चौथा डेज ए वन का मान कैसा होगा ऋणात्मक हो तो फलन, देखो वही सेम कंडीशन आ गया, ऋणात्मक हो तो x बराबर ए वन पर, ठीक है ऋणात्मक हो गया तो x बराबर ए वन पर एफ एक्स कैसा हो जाएगा उच्चिष्ठ प्राप्त हो जाता है, उच्चिष्ठ प्राप्त हो जाता है। क्लियर है, मतलब क्या हुआ f डैश 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 ए वन का मान ऋणात्मक हो तो, देखो पहले ही मैं आप लोग को बताया हूँ कि अगर इसका मान कैसा होगा ऋणात्मक मिलता है। ठीक है, ऋणात्मक मिलता है तो फलन कैसा हो जाता है उच्चिष्ठ हो जाता है, और धनात्मक मिल गया तो फलन क्या हो जाएगा निम्निष्ठ हो जाएगा। तो इसको फिर से लिखेंगे आगे, और यदि f डैश 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 ए वन का मान ऋणात्मक हो तो x बराबर ए वन पर एफ एक्स कैसा होगा उच्चिष्ठ प्राप्त हो जाता है तथा तथा f डैश 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 डैश
A1 का मान, दिस इज A1 का मान अब क्या हो गया, धनात्मक। इसका मान कैसा हो गया, धनात्मक हो तो x बराबर A1 पर, x बराबर किस पर, A1 पर fx का मान, ठीक है, धनात्मक होगा तो x1 का मान, fx का मान क्या हो जाएगा, निम्निष्ठ है ना, निम्निष्ठ प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें f1 का मान कैसा हो जाएगा, निम्निष्ठ प्राप्त होता है, तो मतलब ये कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो गया तो fx कैसा हो जाएगा, निम्निष्ठ प्राप्त हो जाएगा। यदि अब उसके बाद आता है सातवां कंडीशन, सातवां कंडीशन क्या होगा, ये तो क्लियर है ना कि जब क्या होता है मान उसका ऋणात्मक आएगा तब वो कैसा होगा, उच्छिष्ट होगा, और धनात्मक आ गया तो उसका मान कैसा होगा, निम्निष्ठ हो जाएगा। अब यदि एफ डैश 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 एक्स इज इक्वल टू जीरो हो तो, ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होता है, यदि f डैश 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 मतलब f का सबसे पहले फंक्शन का अवकलन, फिर उसका अवकलन, फिर उसका अवकलन, फिर उसका एक बार अवकलन करेंगे तो उसका मान क्या होगा, यदि हमको जीरो प्राप्त हो जाता है तो पुनः हम इस प्रक्रिया को आगे की ओर क्या करते हैं, दोहराते चले जाते हैं जब तक कि फलन का मान उच्चिष्ट या निम्निष्ट प्राप्त ना हो जाए, ठीक है, ये प्रक्रिया आगे दोहराते चले जाते हैं। जैसा कि उच्चिष्ट एवं, ये है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट प्राप्त करने की शर्तें, ठीक है, मतलब इसकी शर्तें क्या है, फलन है हमारे पास, सबसे पहले fx फलन है तो फलन का केवल हमको क्या करते जाना है, अवकलन करते जाना है, अवकलन करेंगे अगर मान हमको जीरो मिल गया, ठीक है, मान क्या मिल गया, जीरो मिल गया तो उसको क्या करेंगे, पुनः फिर अवकलन करेंगे उसका, ठीक है, और अगर अवकलन करते हैं फिर मान जीरो मिल गया फिर अवकलन करेंगे, फिर मान जीरो मिल गया उसका, जीरो अगर मिलता है तो मान के आगे हम क्या करते जाते हैं, अवकलन करते जाते हैं, अवकलन तब तक करते हैं जब तक कि जीरो ना मिले, और नहीं मिलता उस कंडीशन में अगर संख्या कोई भी मिलता है, जैसे ऋणात्मक संख्या मिला और धनात्मक, दो संख्या हो गए, ऋणात्मक हुआ उसका मतलब हुआ कि फलन कैसा हो जाएगा, फलन का मान तो प्राप्त हो जाएगा, ऋणात्मक हुआ मतलब फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट, और धनात्मक हुआ मतलब फलन कैसा हो जाएगा, निम्निष्ठ प्राप्त हो जाएगा, जैसे लिखा है ना, ये देखो, यदि ऋणात्मक हो तो फलन कैसा प्राप्त होगा, उच्चिष्ट, और धनात्मक हो गया तो फलन क्या हो जाएगा, निम्निष्ठ। तो इससे संबंधित अब हम क्या करेंगे, प्रश्नों को देखेंगे, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ मानों को किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। ठीक है छात्रों, तो जैसा कि आपने देखा कि उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ प्राप्त करने की शर्तें, कि हमको उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ का मान कैसे ज्ञात करना है, उसके लिए जो लिखाया गया था ये उसके उपाय हैं, ठीक है, इससे आप भली भांति इनके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए हम प्रश्नावली से प्रश्न उठाते हैं और देखते हैं कि हल करके कि ये शर्तें इसमें कारगर सिद्ध होते हैं या नहीं, है ना, ठीक। अब हम लेते हैं प्रश्नावली का एक क्वेश्चन, x के किन मानों के लिए, ठीक है, प्रश्न हमारे पास है, x के किन मानों के लिए निम्नलिखित फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, हमको केवल क्या ज्ञात करना है, फलन में उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, उसके मान नहीं,
केवल क्या है वो दर्शाना है, उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, ठीक है, ये ज्ञात करना है कि फलन हमारे पास उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। तो हम प्रश्न लेते हैं, जैसे हमारा प्रश्न है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस क्या दिया हुआ है 9x। तो इसमें प्रश्न ये है x के किन मानों के लिए फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, ये ज्ञात करना है। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हल करते हैं, सॉल्व में आएगा। अतः यदि माना कि लिखते हैं ना, माना कि फलन कैसे होगा fx इज इक्वल टू क्या है ये x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x, ये मान दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, जैसा कंडीशन में था, पहला कंडीशन क्या कहता था कि fx का फलन का क्या करते थे, एक बार हम क्या करते थे अवकलन करते थे, तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे इसका, अतः फलन का अवकलन, फलन का अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अवकलन क्या होता है d बाई डी एक्स, ये अवकलन होता है, लेकिन d बाई डी एक्स ना लिख के हम उसको क्या लिख सकते हैं, जैसे f x है तो f डेस कर सकते हैं, ठीक है, f डेस करेंगे तो भी उसका मतलब हुआ कि अवकलन कर रहे हैं, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा f डेस x, ये हुआ। अब क्या हुआ, ये इसका अवकलन कर दो तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा x की घात 3, x क्यूब हो गया, फिर हुआ माइनस d बाई डी एक्स 3x स्क्वेयर, ठीक, उसके बाद हुआ माइनस d बाई डी एक्स, क्योंकि पूरे सभी इसका होगा ना अवकलन, फिर ये होगा 9x, ये इसका अवकलन हुआ। अब हम सॉल्व करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमको 3x स्क्वेयर, ये मिलेगा, फिर क्या हुआ माइनस, ये 3x स्क्वेयर है, ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6x, ये प्राप्त होगा 3x स्क्वेयर, उसके बाद क्या होगा माइनस 6x। अब यहाँ पर क्या है 9x है, तो इसका अवकलन हो जाएगा माइनस 9, ये हमको क्या मिल गया f डेस x का मान मिल गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस पहले फंक्शन को हम समीकरण 1 दे देते हैं, ये दूसरा फंक्शन है इसको दे देते हैं समीकरण नंबर, ये 2 हो गया, और ये सॉरी समीकरण 2 ये होगा, ये दूसरा हो गया समीकरण नंबर 2। अब तीसरा क्या करते हैं, पुनः इस बार एक बार अवकलन करके देखते हैं क्योंकि इसकी जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। तो अतः समीकरण 2 का पुनः क्या करेंगे, अवकलन करने पर, समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन कर देते हैं तो पुनः अवकलन करेंगे समीकरण 2 का तो ये क्या हो जाएगा f डेस x है, वो क्या हो जाएगा f डबल डेस x, ठीक, f डबल डेस x हो गया, तो f डबल डेस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ये 3x स्क्वेयर माइनस 6x, ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 6x, उसके बाद कितना दिया हुआ है माइनस 9, ये हमको क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका अवकलन कर दो कितना हो जाएगा 6, या डायरेक्ट हो रहा है क्या इसको शॉर्ट, मतलब अलग अलग करते हैं ना, उससे ज़्यादा समझ आएगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 9, ये दिया हुआ है। तो हमें काम करते हैं ना, इसमें कॉमन भी कर सकते हैं क्योंकि दिख रहा है कॉमन हो सकता है, तो सबसे पहले कॉमन कर लेते हैं, उससे सरल जाएगा ये, तो यहाँ से हम कॉमन कर लिए तो ये कितना हो जाएगा d बाई डी एक्स, यहाँ से कितना कॉमन कर लेते हैं हम 3 कॉमन कर लेते हैं, 3 कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3, ये हुआ। अब इसका हम क्या कर देते हैं अवकलन कर देते हैं,
अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 3, ठीक है। उसको उसके बाद क्या हो जाएगा, ये d by dx, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ से d by dx ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये हुआ। फिर इसका अवकलन कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये 3, इसका अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा अवकलन 2x माइनस 2, ये प्राप्त हो जाएगा क्या, 2x माइनस 2, ठीक है। 2x माइनस 2 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 हुआ, ठीक है। इसका हम अवकलन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x, ऐसा करते हैं इसको एक बार रिपीट करके देखा जाए, है ना। समीकरण 2 का अवकलन करते हैं पूरा एक बार, सारी दोस्त एक बार देख लो छात्रों, है ना। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ये समीकरण 2 में क्या हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, इसमें हम कॉमन कर देते हैं। समीकरण 2 में क्या करते हैं, एक बार कॉमन करके देखते हैं, तो ये कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन कर दो, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x, फिर कितना हो जाएगा माइनस 3, ये प्राप्त हो गया। इसका अवकलन किए तो अब इसका हम क्या करते हैं, पुनः अवकलन करते हैं, ठीक है, किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का, इसका पुनः अवकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, ठीक है। इसका पुनः अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा f डबल डेज x, इसको डायरेक्ट लिख दूं मैं, इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 6x, है ना। सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे तो 3 इंटू 2x मतलब 6x, इसका अवकलन करेंगे ना तो ये हो जाएगा 2x, अवकलन में तो 3 इंटू 2x, या एक बार और देख लो, ऐसा कर लेते हैं, 3 ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, इसका अवकलन करते हैं d by dx 3, उसके बाद क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद क्या मिलेगा, 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 2x माइनस कितना मिलेगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, इसका 2x माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 होगा, और ये 3 है वो इस कारण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, 3 इंटू 2x का क्या हो जाएगा, 6x माइनस 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, मतलब f डबल डेज x का मान हमको क्या मिल गया, 6x माइनस 6, ठीक है। यहाँ पर से और कुछ कॉमन हो सकता है क्या, यहाँ से देखो 6 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3rd, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2nd, ठीक है। अब समझ आया ना, ठीक है। तो f डबल डैश x 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 6x माइनस 1। अब हमको क्या ज्ञात करना है, फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, अतः फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए शर्त के अनुसार क्या करते हैं हम, जब एक बार अवकलन करते हैं फलन उसको क्या करके देखते हैं, शून्य करके देखते हैं, ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, एफ डेज एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पर, एफ डेज एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पर, इसको शून्य रखो क्या मिलेगा मान, ठीक है, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो f डेस x का मान कितना प्राप्त हुआ था हमको, dy by dx का मान कितना होगा, या फिर f डेस x इज इक्वल टू 0 रखें तो f डेस x बराबर कितना प्राप्त हुआ था हमको, f डेस x इज इक्वल टू मान क्या प्राप्त हुआ था हमको, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये मान प्राप्त हुआ था ना, 3 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3,
3, ये मंत्र अर्थ हुआ था, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² - 2x - 3 = 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका हम क्या करेंगे, 3 और 0 है तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 मतलब हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x² - 2x - 3 = 0, क्योंकि ये जो 3 है वो शून्य के बट्टे में आ जाएगा, शून्य के बट्टे में आ गया, इसको मान शून्य हो गया, तो ये हो जाएगा x² - 2x - 3, इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, ठीक है, गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट और लास्ट इन दोनों का गुणा होता है, इसका योग के बराबर होता है, तो गुणा और योग करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 3 × 3 हुआ, ठीक है, तो 3 कैसे निकलेगा, x² - 3x + x - 3 = 0, ऐसा भाग में टूटेगा ये, क्योंकि x² का x² यहाँ पर -3x में x गया, -2x बचेगा, -3, क्लियर है, अब इसको हम दो दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब बांट लेते हैं, तब यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन कर दो, x अगर कॉमन करोगे तो यहाँ पर x² है, तो एक x हो गया, ये हो गया -3, ये वाला पार्ट अलग हो गया, अब यहाँ पर के पार्ट में क्या निकलेगा, +1 कुछ नहीं है, तो 1 ये हो जाएगा x - 3 = 0, अब हमको दो मान प्राप्त हो गए, एक मान हुआ x + 1 और एक मान क्या मिल गया हमको, x - 3 = क्या हुआ, 0, ये मान हमको प्राप्त हो गए, ठीक है, अब क्या करेंगे, x + 1 = 0 रखेंगे, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, -1, एक मान मिला है, फिर क्या करेंगे, फिर हम मान ज्ञात करते हैं x + 1 = 0, तो x बराबर -1 हो गया, उसी प्रकार x - 3 = 0 करेंगे तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 3, ये दो मान प्राप्त हुए, अब देखो पहला x बराबर -1 पर, अब हमको क्या करना है, x बराबर -1 पर, अतः x = -1 पर f डबल डेज है, क्योंकि f डबल डेज x में ही मान रखेंगे, तब ऋणात्मक आएगा तो उच्चिष्ठ होगा और धनात्मक आएगा तो निम्निष्ठ होगा, तो x = -1 पर f डबल डेज x में मान करो, तो f डबल डेज x क्या आया था, f डबल डेज x = 6x - 6, ये हुआ था, x = -1 रखो, ये क्या हो जाएगा, 6 × -1, ये कितना हो गया, -6 हो गया, क्या ये हुआ, -12, क्योंकि -6 - 6 - 12, तो -12 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, x = -1 पर, ये मान कैसा प्राप्त हुआ हमको, ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ, अतः ऋणात्मक मान प्राप्त होने के कारण ये फलन कैसा हो जाएगा, उच्चिष्ठ हो जाएगा, अतः ऋणात्मक मान से यह कैसा होगा, उच्चिष्ठ होगा, ठीक है, ऋणात्मक मान से यह कैसा हो गया, उच्चिष्ठ हो गया, अब हम देखते हैं x = -1 लिए थे, अब क्या लेते हैं x = 3, ठीक है, अब आएगा x = 3 लेने पर f(x) = कितना आया था, 6x - 6 था, अब x की जगह हम क्या रख देते हैं, 3 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 × x की जगह में 3 - 6, ये क्या हो गया, 18 - 6, मतलब क्या हुआ, 12 मिला, ये 12 कैसा है, धनात्मक है, अतः x = 3 पर फलन धनात्मक होने के कारण ये क्या होगा, निम्निष्ठ प्राप्त
होगा। इसी के साथ ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस प्रकार फलन क्या होगा, साल हो जाएगा, तो ये समझ आ गया होगा आप लोग को। जैसा कि छात्रों आपने देखा कि हम एक प्रश्न हल किए, उसमें उच्चिष्ठ एवं निम्निष्ठ का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या किए, जो उच्चिष्ठ एवं निम्निष्ठ के उपाय बताए गए थे उसी के आधार पर हम क्या किए, इस प्रश्न को हल किए। ठीक है, तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं। ठीक है, एक प्रश्न लेते हैं। देखो, निम्नलिखित फलनों के लिए x के किन मानों के लिए फलन उच्चिष्ठ है या निम्निष्ठ है। फिर एक बार उच्चिष्ठ हम निम्निष्ठ ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न है 2x³ - 15x² फिर क्या दिया हुआ है, +36x, उसके बाद क्या है, +11। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। इस प्रश्न को हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं, उच्चिष्ठ है निम्निष्ठ ज्ञात करते हैं। तो ये क्या होगा, सबसे पहले fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x³। ठीक है, fx के लिए क्या हो जाएगा, 2x³, मतलब प्रश्न है 2x³ - 15x² + 36x + 11। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फलन लेते हैं, fx = 2x³ - 15x² फिर क्या दिया हुआ है, +36x फिर क्या दिया है, +11 ये दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसका एक बार अवकलन करते हैं। अवकलन करेंगे तो क्या होगा, f·x। ठीक है, f·x है इज इक्वल टू, इसका अवकलन करोगे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा इसका अवकलन करेंगे तो 3 × 2 = 6x², ये मिलेगा। ये हो जाएगा -15 × 2 = 30x, फिर क्या हो जाएगा, ये +36, ये प्राप्त होगा 6x² - 30x + 36, ये वैल्यू प्राप्त हो गया। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, 6 निकल सकता है, 6 हम कॉमन कर दिए, ये क्या हो जाएगा, x² - 6 से 30 को भाग दो, 6 × 5 = 30, 5 बार हो गया, तो 5x + 36 है, 6 बार में जाएगा, तो x² - 5x + 6, ये मान हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके मान को 6x² - 5x + 6, ये मान हमको प्राप्त हुआ, इसका गुणनखंडन कर देते हैं और जल्दी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इसका गुणनखंड करोगे तो क्या मिलेगा, x² - 5x + 6, तो इन दोनों का गुणा इसके बराबर क्या आना चाहिए, तो 6 का मतलब 6 हो रहा है, तो 6 मतलब कितना होगा, तो ये हो जाएगा x² + 6x - x + 6, ये होगा, मतलब 6 × 6 और 6 को जोड़ना है, तो 6 में 1 गया कितना आएगा, 5, 6 × हाँ क्या बोल रहे थे, या 3 या 2 भी ले सकते हैं, 3 2 लेते हैं, सबसे बेस्ट है ना। ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -3x। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, -2x + 6, ये करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x² - 3x - 2x + 6। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 6, ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ और ये दो भाग में बांट दिए, यहाँ से x कॉमन करेंगे क्या मिलेगा, ये x - 3। ठीक है, यहाँ से कितना कॉमन कर दिए, -2 कॉमन कर दिए, यहाँ क्या मिलेगा, x - 3, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमको क्या मान मिल जाएगा, x - 2 और x - 3, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा x - 2 और ये हो जाएगा x - 3, ये मान हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है, ये मान हमको क्या हो गया,
प्राप्त हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसका इस समीकरण का क्या करते हैं, एक बार पुनः हम इसको समीकरण एक दे दीजिए, यह हुआ एक, ये हुआ समीकरण नंबर दो। अब क्या करेंगे, समीकरण दो का पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन कर दो समीकरण दो का, ये दो है इसका अवकलन करोगे क्या मिलेगा, f डबल डेज x, ये प्राप्त हुआ। तो 6x² माइनस 30x प्लस 36, इसका अवकलन करोगे तो कितना मिलेगा, 6 × 12x, ये हो जाएगा 12x, फिर क्या हो जाएगा माइनस 30, ये हो जाएगा ऋण 30, मतलब इसका क्या करेंगे, f डबल डेज x निकालेंगे तो 12x माइनस 30, ये मान हमको प्राप्त हो जाएगा। अब हमको क्या मान निकालना है, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ के लिए हम क्या करते हैं, जो f डेस x होता है पहला बार जो अवकलन करते हैं उसको क्या लेते हैं, 0। तो f डेस x इज इक्वल टू 0 रखने पर 0 रखो, f डेस x का मान कितना था, इसको 0 रख दो तो ये वाला मान प्राप्त हुआ है हमको, तो ये हो जाएगा 6x-2। फिर क्या हुआ, ये हो गया x-3 इज इक्वल टू 0 रख दिए तो 6 इसके बट्टे में चला जाएगा तो 0 हो गया। फिर हमको क्या मिलेगा, x-2 x-3 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, x-2 इज इक्वल टू 0 से x बराबर पहले क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा, वैसे क्या होगा फिर, उसी प्रकार क्या है, x-3 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 3, क्योंकि 3 का पक्षांतर कर दिए, अतः x बराबर 2 रखने पर इसका मान को किस में रखते हैं, f डबल डेज x में रखते हैं, तो f डबल डेज x इज इक्वल टू कितना मिला है हमको, f डबल डेज x बराबर मिला है 12x-30। तो f डबल डेज x इज इक्वल टू हम क्या रखते हैं, x के स्थान पर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 × 2 - 30, तो ये कितना हो जाएगा, 24 - 30 इज इक्वल टू वैल्यू कितना मिलेगा, -6। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -6, ये वैल्यू हो जाएगा -6, होने के कारण ये कैसा होगा, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है तो मान कैसा हो जाएगा, ये उच्चिष्ट, ठीक है, ये मान कैसा प्राप्त हो गया, उच्चिष्ट हो गया। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, एक बार x बराबर 2 निकला और x बराबर 3, अब x बराबर क्या रखते हैं, x बराबर 3 पर क्या हो जाएगा, ये f डबल डेज 3, मतलब यहाँ 2 रखें उसकी जगह में आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 12 × 3, फिर हो जाएगा -30, क्लियर है, 12 × 3 - 30, तो इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 36 - 30 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 6, इसका मान कैसा है, धनात्मक है, धनात्मक होने के कारण ये फलन कैसे हो जाएगा हमारा, निम्निष्ठ, ठीक है। तो छात्रों, इस प्रकार आपने आज देखा कि उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ फलनों का मान, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगर फलन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा तो उसका मान कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा, और फलन यदि धनात्मक है तो उसका मान कैसा हो जाता है, निम्निष्ठ हो जाता है, ठीक है। आगे अगली कक्षाओं में हम इससे संबंधित और प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, धन्यवाद।